सरकार में 8 या 9 फरवरी के आसपास का दिन था, बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत इतनी ज्यादा खराब थी, उनके पास कैश अवेलेबल नहीं था कंपनी चलाने के लिए। और मेरे को याद है 8 या 9 फरवरी के आसपास उन्होंने एक तरह से बोल दिया था, जी अगर आप दिल्ली सरकार ने आज इतने करोड़ रुपए नहीं दिए तो कल पूरी दिल्ली के अंदर ब्लैकआउट होने वाला है, कल पूरी दिल्ली कल की बिजली खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। वहां से आज तक की यात्रा तो मोटे मोटे तौर पे अगर देखें तो 4 समस्याएं बहुत बड़ी थी। जब हम लोगों ने दिल्ली में सरकार संभाली तो बिजली के क्षेत्र में 4 बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहली समस्या, हर साल बिजली के बिल अनाप शनाप बढ़ाए जाते थे और दिल्ली की जनता अपने बिजली के बिलों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। दूसरी समस्या, बिजली कंपनियां कंगाली के कगार पे थी, कंगाल हो चुकी थी और ब्लैकआउट की परिस्थितियां थी। मैंने आपको एक वाक्या बताया, लेकिन जब हमने अगली बार जब 67 सीट आई 2015 में, उसके बाद भी 2-3 ऐसे मौके हुए जब ऑलमोस्ट ब्लैकआउट की स्थिति थी। तो बिजली कंपनियां कंगाल हो चुकी थी, उनके पास कैश नहीं था एक दिन भी बिजली कंपनी चलाने के लिए। तीसरी परिस्थिति थी कि पूरे दिल्ली के अंदर बिजली के क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका था। कई कई सालों से ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए थे, केबल बदली नहीं गई थी, ट्रांसफार्मर जल रहे थे और पूरी दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हुए ही नहीं थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका था। और चौथा, दिल्ली में भारी पावर कट लगा करते थे, खूब जम के पावर कट लगते थे, हर साल लोगों को इन्वर्टर खरीदने पड़ते थे, अपनी बैटरियां बदलवानी पड़ती थी, जनरेटर खरीदने पड़ते थे। तो ये 4 मोटी मोटी प्रॉब्लम थी, बिजली के बिल ज्यादा आते थे नंबर 1, नंबर 2 कंपनियों का बुरा हाल था फाइनेंशियल, नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र का बुरा हाल, में इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर चुका था, और नंबर 4 की पावर कट खूब लगते थे। इन चारों क्षेत्रों के अंदर पिछले 5 साल के अंदर खूब जबरदस्त सुधार हुआ है, हमारी कड़ी मेहनत और हमारी साफ नीयत की वजह से। आज 4.5 साल के बाद जब मैं आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं, बिजली के बिलों में भारी गिरावट आई है। हर साल जब पूरे देश के अंदर एक भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पे बिजली के बिल बढ़े ना हो और हर साल बढ़ते ना हो, ऐसे में दिल्ली के अंदर बिजली के बिल 4.5 साल में ना बढ़ना उल्टे कम होना किसी चमत्कार से कम नहीं है। नंबर 2, बिजली कंपनियों की आज फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी है, आज बिजली कंपनियों के पास सफिशिएंट कैश है, आज बिजली कंपनियां ब्लैकआउट की स्थिति में नहीं है, आज बिजली कंपनियों के जो घाटे थे वो सब्सटेंशियली कम हो रहे हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में वो रेगुलेटरी एसेट्स कहते थे, वो बड़ी तेजी के साथ वो कम हो रहे हैं। तो बिजली कंपनियों के फाइनेंशियल हालत में भारी सुधार हुआ है, बिजली के बिलों में काफी गिरावट हुई है, पिछले 4.5 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर ट्रांसफार्मर्स लगाए गए हैं, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर केबल्स बदली गई हैं जहां जहां जरूरत थी। अब अगर पूरी दिल्ली की स्थिति लें तो 2-4 जगह इधर उधर छोड़ के उसकी लिस्ट हम लोगों ने बनवाई है जहां लोकल फॉल्ट होते हैं ट्रांसफार्मर या केबल की वजह से, उस पर भी हम बोर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। अदरवाइज आज पूरी दिल्ली में 24 घंटे बिजली का इंतजाम हम लोगों ने किया है, 24 घंटे बिजली आज दिल्ली के लोगों को मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त इंप्रूव किया है। और चौथी चीज, पावर कट अब दिल्ली के अंदर लगने बंद हो गए हैं। जैसा मैंने कहा कि 24 घंटे बिजली का इंतजाम किया, इस साल पीक लोड समर के वक्त 7400 मेगावाट्स का था, अनहर्ड ऑफ।
हमारे से पहले वाली सरकार में 6400 मेगावाट जब क्रॉस कर जाता था तो कहते थे कि दिल्ली का पूरा ग्रिड कोलैप्स कर जाएगा, दिल्ली का पूरा ग्रिड कोलैप्स 6400 पे। इस साल 7400 मेगावाट के ऊपर हमने दिल्ली चलाई है। एक और डेटा, हमारे से पहले वाले साल में 2013 में जो पावर कट लगे 11.7 करोड़ यूनिट्स के पावर कट लगा 2013 में, 2018 में 1.7 करोड़ यूनिट्स का पावर कट लगा, 10% से भी कम पावर कट रह गए हैं, 85% रिडक्शन हुआ है पावर कट के अंदर। ये तो डेटा है, मैं अगर आपको कहूं कि 24 घंटे बिजली, मैं आपको डेटा के साथ दिखा रहा हूं कि 24 घंटे बिजली कैसे आ रही है। अब ये 1.7 करोड़ है, ये भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा जब दो चार कुछ इलाके ऐसे बचे हैं जहां ट्रांसफॉर्मर्स की अभी दिक्कत है, उसको चेंज करा रहे हैं हम वॉल फुटिंग के। BRPL का अगर मैं एग्जांपल दूं, वहां पे 17% लाइन लॉसेस थे जिसको रिड्यूस करके हमने 8% कर दिया है। आप सोचेंगे ना ये चमत्कार कैसे हुआ कि बिजली के बिल भी कम हो गए, कंपनियों के रेवेन्यू भी बढ़ गया, कंपनियों की माली हालत भी बहुत अच्छी हो गई, पावर कट भी ठीक हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इतना इन्वेस्टमेंट हो गया, तो हमने लॉसेस बहुत कम किए 17% से 8% पे। जैसे BRPL का एग्जांपल दें, आज दिल्ली के अंदर पूरे देश में सबसे कम लाइन लॉसेस हैं। ये जो पिछले 4.5 साल के अंदर दिल्ली में बिजली के क्षेत्र के अंदर सुधार हुआ, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, ये ऐतिहासिक है। आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की, आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिजली का जीरो बिल आएगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका फिर लगभग 50% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके मोटे मोटे तौर पे दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर वन, जैसा हमने पानी के क्षेत्र में कहा था कि एक लाइफलाइन कमिटमेंट सरकार का होना चाहिए। आज 200 यूनिट कुछ भी नहीं होते, 200 यूनिट का मतलब आप एक फ्रिज, एक टीवी, दो बल्ब, पंखे, इतने में 200 यूनिट। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है और उसके पास पैसे नहीं है तो क्या वो आदमी पानी नहीं पिएगा, क्या वो आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा? तो एक उस लेवल का बेसिक लाइफलाइन का कमिटमेंट सरकार ने जैसे पानी के क्षेत्र में दिया था, ऐसे बिजली के क्षेत्र में दिल्ली सरकार दे रही है। और दूसरा, जब हमने पानी के क्षेत्र में ये कमिटमेंट दिया था, हमारा एक्सपीरियंस ये था, कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम 20,000 लीटर पानी फ्री कर देंगे तो लोग पानी वेस्ट करेंगे। देखने में आया कि पानी की बचत होने लगी, बचत इसलिए होने लगी कि जो 21,000 लीटर इस्तेमाल कर रहा था उसने सोचा यार 20,000 के नीचे कर लूं तो मेरा भी बचत हो जाएगी, मैं भी बचाऊंगा। 22,000 जो कर रहा था उसने भी अपना पानी बचाना चालू कर दिया। उसी तरह से इसमें भी होगा कि जो 210 यूनिट या 300 यूनिट वो कोशिश करेगा यार 200 की यूनिट नीचे आ जाए तो मेरा बिल जीरो हो जाएगा। तो हमें ये उम्मीद है कि इससे बिजली की बचत को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। जो दिल्ली का वो लोड बढ़ता जा रहा है 6400 मेगावाट से 7400 मेगावाट हो गया, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। ये करने के लिए सब्सिडी कितनी देनी पड़ेगी, लगभग वही है जो आज पिछले सालों में हम सब्सिडी का बिल जो हमारा
होता आया है 1800 से 2000 करोड़ के करीब हमारा सब्सिडी का बिल हर साल होता है। सब्सिडी का बिल में कोई खास इंक्रीज की उम्मीद नहीं है। उसी सब्सिडी को हमने इस साल रिस्ट्रक्चर किया है कि किसको कितना देना है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता दूं। आज 200 यूनिट तक बिजली आज से दिल्ली में फ्री हो जाएगी। 2013 में हमारी जो पहले वाली सरकार थी उसके टाइम में 200 यूनिट के लिए 928 रुपए देने पड़ते थे लोगों को। 928 रुपए 2013 में देने पड़ते थे 200 यूनिट के लिए। कल तक लोगों को 622 रुपए देने पड़ते थे 200 यूनिट के, आज से वो फ्री है। 250 यूनिट के 2013 में हमारी सरकार बनने के पहले 1250 रुपए देने पड़ते थे, कल तक 800 रुपए देने पड़ते थे, आज से 252 रुपए देने पड़ेंगे। 250 यूनिट के आज से 252 रुपए, 252 रुपीस। 300 यूनिट के, ये मैं 2 किलोवाट लोड का बता रहा हूँ ऊपर, 300 यूनिट के हमारे से पहले शीला जी के टाइम में 1585 रुपए महीना देना पड़ता था, कल तक 971 थे, आज से 526 रुपए हो जाएंगे। 400 यूनिट के 2013 में 2200 रुपए, 2250 रुपए देने पड़ते थे, कल तक 1320 रुपए थे, आज से 1075 रुपए हो जाएंगे। ये भी शेयर कर लेंगे आप, ये आपको सब चार्ट सभी बांट देंगे हम सारे, बहुत बड़ा चार्ट है। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आज देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। मुंबई में 200 यूनिट के 1400 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। मुंबई में 400 यूनिट के 3310 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। बेंगलोर में 200 यूनिट के 1350 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। बेंगलोर में 400 यूनिट के 2910 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। आपके बगल में गुड़गांव में 200 यूनिट के 910 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। गुड़गांव में 400 यूनिट के 1820 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। अपने बगल में नोएडा में 200 यूनिट के 1310 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। नोएडा में 400 यूनिट के 2480 रुपए, 2500 के करीब लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। अमृतसर में जहां पे कांग्रेस की सरकार है 200 यूनिट के 1318 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। और 400 यूनिट के अमृतसर में 2700 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1000 रुपए लगते हैं। तो देश तो आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर हो गई है। मुझे पता है कि आज शाम को आप लोग डिबेट चलाएंगे, फ्री भी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ, एक तरफ अगर बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत इतनी इंप्रूव हुई, एक तरफ अगर रेवेन्यू इतना बढ़ गया, एक तरफ इतने ट्रांसफार्मर लग गए, आपको 24 घंटे बिजली मिल गई, तो ये फ्री इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ईमानदार सरकार को वोट दिया था। आज हम पैसे दिखाते हैं, जो पैसे बचते हैं उस पैसे को आप लोगों को दे रहे हैं। जितने हमारे देश के नेता हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े जितने हमारे देश के बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी बिजली फ्री है, उसको कोई फ्री भी नहीं कहता।
मैं केवल ये कर रहा हूं कि मेरे आम आदमी को भी जो कि 24 घंटे मेहनत करके किसी तरह से अपने घर में अपने बच्चों को पालता है, अपना घर चलाता है, उसको मैं वही सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं जो हमारे देश के नेताओं और अफसरों को मिल रही है, तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अगर मैं इस देश के आम आदमी को खास आदमी वाली सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहा हूं तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? तो मुझे लगता है कि आज का ये जो निर्णय है ये बहुत ऐतिहासिक है कि एक तरफ बिजली के क्षेत्र में सुधार हुआ और दूसरी तरफ लोगों को उसका 24 घंटे बिजली भी मिल रही है और सस्ती बिजली भी मिल रही है। अगर आपके कोई प्रश्न सर, इसका डेटा क्या है कि 200 से लगभग 50% एक्चुअली वो उसके कई सारे वो हैं, फॉर्मूले हैं, मोटे मोटे तौर पे 50 बन रहा है, नीचे किसी का नहीं है। 200 यूनिट के नीचे अभी आपको चार्ट दे देंगे सारा। 200 यूनिट के नीचे कितने हैं? एक से 200 के ऊपर जो चला गया, ऐसे है, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं। 200 यूनिट का जो आज मतलब कल तक जो बिल आ रहा था उससे भी परसेंटेज में मैं लास्ट कॉलम के अंदर परसेंटेज में डाउन लिखा हमने, आपका जैसे 2 किलोवाट 250 यूनिट का 797 रुपए था तो वो 252 हो जाएगा, वन थर्ड हो जाएगा उससे भी, कल जो बिल था उससे वन थर्ड होने जा रहा है। 200 वैसे यूनिट में कितना फर्क आएगा? 50% का जो सब्सिडी कितना देगी सरकार? ये देखिए जो ये बता रहे हैं 250 यूनिट वाले को लगभग 80% बिल में कमी आएगी, 300 यूनिट वाले को 67%, 350 यूनिट वाले को 50%, 400 यूनिट वाले को 52%, 50% के ऊपर ऊपर सबका रहेगा। सर ये 200 यूनिट के नीचे कितने सब्सक्राइबर हैं और 201 से 400 में कितने हैं और परसेंटेज कितनी है इनकी? ये एक्चुअली हर महीने इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, मुझे एक आइडिया तो होगा सर। तो जो डेटा है उसके हिसाब से अगस्त के महीने में लगभग 35% कंज्यूमर्स हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं और ये बढ़ते बढ़ते सर्दियों के महीने में लगभग 70% हो जाते हैं जो 200 यूनिट के नीचे हैं। सर, यू हैव बीन इन पावर फॉर 4.5 years नाउ एंड यू हैव वेव्ड ऑफ द बिल्स टू 200 यूनिट जस्ट 6 months बिफोर द इलेक्शन, व्हाई सो? बिकॉज़ इट हैज टेकन अस टाइम, जैसे मैंने कहा कि हमने जब टेक ओवर किया था पूरा बिजली का क्षेत्र जो है वो बहुत बुरे हाल में था, धीरे 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 करते करते हम इस तरह लाए हैं कि एक तरफ जो रेट्स DRC अनाउंस करता है उसमें भारी कमी आई है। हमने अपना एक सब्सिडी का बिल तय कर लिया कि इतनी सब्सिडी हम देंगे, वो भी सब्सिडी का अमाउंट जो है वो लगभग कॉन्सेंट रहा है। तो इस साल जब उस सब्सिडी के अमाउंट को हम इम्प्लीमेंट करने बैठे तो इट केम टू ऑलमोस्ट निल, 200 यूनिट। इट वॉज अ जर्नी, इट वॉज नॉट पॉसिबल। जब मैंने 2014 में पहली बार सरकार बनाई और बिजली कंपनी ने आके कहा जी कल बिजली कंपनी की चलाने के पास ये पैसा नहीं है मेरे पास और अगर सरकार पैसा नहीं देगी कल मैं बिजली खरीद नहीं सकता और ब्लैकआउट होगा, ऐसे में फ्री करने का तो सवाल ही नहीं होता था। वी हैड टू फर्स्ट इंप्रूव द कंडीशन। आप ये फ्री कर रहे हैं इस पे मैं बीजेपी वालों को कहूंगा, पहली चीज तो ये बताएं कि क्या वो इस बात से सहमत हैं कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इस पे वो अपनी प्रतिक्रिया दें। दूसरी चीज, मुंबई में 1400 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, मुंबई में फ्री करें जाके 400 यूनिट के 3310 रुपए लेते हैं, हम 1075 लेते हैं, सोचो कितना घपला हो रहा है मुंबई के अंदर, हो रहा है कि नहीं हो रहा? दिल्ली में अगर 1075 और मुंबई में 3310 तो सोचो कितना घपला हो रहा है। उसके बाद हरियाणा में 910 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, हम जीरो लेते हैं। गुड़गांव में 1820 रुपए लेते हैं 400 यूनिट के, हम 1075, तो देखो कितना घपला हो रहा है। नोएडा में भी इनकी सरकार है 1310 रुपए लेते हैं 200 यूनिट के, हम 200 लेते हैं, हम जीरो लेते हैं। तो मेरा ये कहना है, उनको सुझाव है कि पूरे देश में जाके अपनी सरकारों को पहले कहें कि दिल्ली के बराबर लाएं और फिर बात करें। सर ये आप 200 के नीचे फ्री कर रहे हैं तो और 35 से 70 आप कह रहे हैं कि आबादी इस पे प्रभावित होगी, उनको राहत मिलेगी, तो सब्सिडी बिल कैसे नहीं बढ़ रहा है? सब्सिडी बिल नहीं बढ़ रहा क्योंकि आपका DRC ने जो फिक्स चार्ज इतने कम कर दिए, फिक्स चार्ज कम करने की वजह से ऑलरेडी रेट काफी नीचे आ गए, तो पिछली बार वाली जो सब्सिडी थी उसको जब इस बार स्ट्रक्चर पे लगाया गया
तो बिल्स बहुत सब्सटेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। फिक्स चार्ज तो देना होगा ना, फिक्स चार्ज तो देना होगा बिलों पर ना, कुछ नहीं देना होगा सर। आप खुद ही सर गवर्नमेंट जब भी ऐसे एक स्टेप लेते हैं, लेकिन विपक्ष सवाल उठाता है कि सब्सिडी भी तो एक्सचेंजर के पैसे से दे रहे हैं। दोनों चीजें होंगी, मैं तो दोनों चीजें होंगी। वो कुछ का आरोप है भाई सब्सिडी से कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं हम, सब्सिडी का बिल हमने लगभग कांस्टेंट रखा है, लेकिन सब्सिडी से काम नहीं चलता। अगर बिजली के रेट हर साल डीआरसी दुगने तिगने कर देता जो हमारी सरकार बनने के पहले हो रहे थे, हमने आने के बाद पूरे सेक्टर के अंदर डिसिप्लिन इंप्लीमेंट किया है। डीआरसी ने एक के बाद एक हर साल दर साल साल दर साल बिजली के रेट कम किए हैं, तब सब्सिडी लागू करने से बिजली के रेट और कम होते जा रहे हैं। केवल सब्सिडी से नहीं हो रहे, जो डिसिप्लिन किया, मैसेज दिया गया बिजली कंपनियों को कि अगर अब आप ठीक नहीं करेंगे तो आपको सर फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है, तो ऐसे स्टेप्स के ये जो स्टेप है इसके लिए कि सरकार को कोई फाइनेंशियल प्रेशर आएगा सरकार के ऊपर। मैंने बताया तो सही कि फाइनेंशियल बिल जो सेम रहे लगभग सेम रहेगा सर, 201 होते ही 50% फॉर्मूला लगेगा, अब ये कह रहे हैं सर। आपने कहा दिल्ली का मैक्सिमम पीक डिमांड जो है वो 7400 मेगावाट है, लेकिन दिल्ली के अंदर बिजली कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं कि 22876 मेगावाट के हिसाब से फिक्स चार्ज लेती है, लेकिन मैक्सिमम डिमांड दिल्ली की 7400 मेगावाट है, बिजली कंपनी 22000 मेगावाट के हिसाब से फिक्स चार्ज तो लेती है। किसने कहा यार? ये डॉक्यूमेंट है सर, मेरे को दिखाना डॉक्यूमेंट सर। अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी, पेपर एक मिनट।